ये देखें। ओए होए 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 ओए होए 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 होए, अंदर से देखो यार क्या कलर है इसका, लाल। ये ले, ओए होए होए होए, ये शहर यार। देखें कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी, इतनी मजे की हैं ये चिड़ियाँ। आजो आजो आजो, क्या बात है क्या बात है। देखें खूबसूरत कितने हैं यार। ओ भाई हेलो, इस तरह मैंने 75,000 रियाल उठाया हुआ। भाई साहब आज हम लोग ट्राई करने जा रहे हैं स्मोक्ड बीफ, ये रिब देते हैं स्मोक्ड बीफ, और वो पहली बार मैंने ट्राई करनी है। थोड़ी बहुत उसकी तारीफ सुनी है तो मैंने सोचा आज ट्राई करें और आपके साथ भी एक्सपीरियंस शेयर करें। उससे पहले जाएंगे हम लोग एक बहुत ज़बरदस्त पार्क है, उस पार्क में बड़ा परिंदे वरिंदे होते हैं, वो सब कुछ आपको आज के व्लॉग में दिखाते हैं और सीधा पार्क में चलते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, मैं हूं अब्दुल मालिक फरीद और आपको एक और व्लॉग में खुश आमदीद। अच्छा जी, इस जगह का नाम है महमिया अल औसिया, इसकी लोकेशन तो नीचे मिल जाएगी। तमाम जिन जगहों पर भी मैं जा रहा हूँ उनके लोकेशन आपको हमेशा नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं। लास्ट टाइम यहाँ पर मैं आया था तो बहुत ज़्यादा लोगों ने डिमांड की थी कि कौन सी जगह पे है, तो ये भाई मस्जिद कुबा के बिल्कुल साथ में है। मस्जिद कुबा के फौरन बाद है ये जगह, और यहाँ पर अभी चलते हैं अंदर आपको दिखाते हैं। पहले टिकट लेनी होती है। कम नफर हैं? नफर हैं 50। एक बंदे की टिकट है यहाँ पर 25 रियाल की, दो बंदे 50 रियाल। 20 भी लिखा हुआ है, 20 वो बच्चों का होगा। नहीं, 7 बंदों से ज़्यादा या और जितने ज़्यादा होंगे तो 20 रियाल की हो जाएगी टिकट। तो 7 बंदे आना भाई अगर 20 की करवानी है टिकट। ये भैया साथ में 25 सौ दिए हुए, ये भाई चारा है। इतनी तो अच्छा चारा, हाँ हमें भी कुछ पैकेटों में शायद दे रहे हैं। 25 रियाल ले रहे हैं और 700 25 का आजमा। ये यार चिड़ियों के लिए चारा देते हैं। अच्छा हमेशा ये ना एक टिकट के साथ एक चारा देते हैं, तो आप उनसे डिमांड करें कि भाई मुझे एक्स्ट्रा दो। वैसे अंदर भी दे देते हैं लेकिन यहीं से ले जाओ। ये अंदर भाई दाखिल होते हुए माहौल है, अंदर है चिड़िया घर, उस तरफ जाते हैं। वैसे ये सिटिंग एरिया यहाँ पे बना हुआ है और ये शीशा बना हुआ है। आपका भाई इधर, सलाम अलैकुम। इधर इंटर हुआ हूँ, ये भाई कहता है कि पेपर दो। मैंने कहा मैंने तो 50 दिया था पेपर का, तू भी 50 दे। कहते है नहीं यहाँ पर इंटर होने के लिए 50 चाहिए होते हैं। यार उनके देखो चारा है, नहीं अभी से एक्सपीरियंस करने लग गए हो। वो आइए चारे के लिए, हाँ कोई चारा भी उसको। ये मेरे हाथ में चारा नजर आ रहा है, देखो इधर इकट्ठी हो गई है सारी। ये दो चारे पकड़ो, ये दो चारे मेरे। वो देखो यार कैसी मुर्गी है, कितने खूबसूरत है यार। तोता भी बिठाएंगे बाद में। ये बटन तोड़ता है कैप के, ये आपकी कैप का बटन तोड़ देगा। सीरियस? हाँ बिठाओ बिठाओ बिठाओ, नहीं कुछ कहता, तोड़ने लगेगा हटा देंगे। नहीं ये मुझे लगता है बटन वाला नहीं, ये दूसरा। क्या करो, कुछ नहीं कहता। ओ भाई क्या हो गया यार, एक और तोता भी बिठा दूंगा जल्दी से ना, क्या अलग ही डर लगा हुआ है मुझे, तेरी ठुंगे ही ना मार दे। वो तीसरा भी बिठाए। हाँ हाँ देखें भाई, ये सब अब मेरे दोस्त बन गए हैं। इन सबको मैंने कहीं भी नहीं लेके जाना क्योंकि ये एक 25,000 का है। इस तरह मैंने 75,000 रियाल उठाया हुआ है। देखें ये मेरे कंधों पे वजन है 75,000 रियाल। वो कहते हैं ज़्यादा दूर नहीं लेके जाना, ये लड़के हैं फिर आपस। अब भाई देखें ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है हमारा। ये भैया डालना चारा, ज़्यादा मत डालना, आधा डालना इधर। अब देखना आपको तमाशा दिखाएं, बस ये लाइफ टाइम एक्सपीरियंस देखें। आ हा 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 हा, क्या बात है क्या बात है क्या बात है। देखें देखें कितनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी, इतनी मज़े की हैं ये चिड़ियाँ। ये देखें इकट्ठी हो गई हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है। ओए मेरे सर पे क्या है, सर पे भी है, वाह देखें खूबसूरत एक्सपीरियंस। इतनी छोटी छोटी मज़ेदार हैं ना। इतने भी तोते आ गए भाई साहब देखें। ओहो क्या बात है, खूबसूरत माशाल्लाह तबारकअल्लाह। कैसे हो भाई साहब, ठीक ठाक हो हैं, सही हो? नींद आई है भैया, आप कैसे हो, ठीक हो हैं? खाना वाना खाया? प्यार क्या था, प्यार। हाँ प्यार, डर डर के प्यार, वो भी कैसा प्यार जिसमें डर हो। उसी प्यार इसका मतलब है आपका प्यार सही नहीं है। बोलो और आ गया और लो भाई। यार ये बहुत खूबसूरत हैं, प्यारे हैं, छोटे छोटे मज़ेदार। वो बड़े से मुझे ये ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं यार। वो सफ़ेद भी है, सफ़ेद आ रहा है, वो ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ भाई
मेरे फॉलोअर्स को बोलो कि 75% बताएं, 70% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, सब्सक्राइब करो यार, ये तो तब हो रहा है। बोलो 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 बोलो। ओ आइए भाई साहब, कैसे हो, ठीक ठाक हो, मजे में हो, है कैसा तबीयत, ठीक है? मदीना में कैसा टाइम गुजर रहा है, मज़ा आ रहा है? हाँ सही है, मज़ा आ रहा है। देखें इधर और भी तोते हैं, तो कहते हैं इंटर हो जाओ। निर्खुल इधर ये पिंजरे में अभी दाखिल हो गए हैं। ये जो अलग अहो अब अले हो ना, अख्तर आजो 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 आजो, क्या बात है क्या बात है। बिस्मिल्लो बिस्मिल्लो, क्लच लगा दिए, खूबसूरत 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 तोते। नीचे देखो यार, एक दंडी इन्होंने काट ली ना, मेरा काम हो जाएगा। सही बात है। ये वाला कितना प्यारा है यार, आया है सारा प्यार मुझे दिखाना है पीछे। यार अजीब लगता है ना, पहली पहली बार होते हैं। ये कितना प्यारा है, येलो वाला और ये ग्रे। अच्छा जी, यहाँ पर बहुत सारे परिंदे वरिंदे तो होते हैं, लेकिन साथ साथ आप शोर सुन रहे हैं, ये स्पीकर में आवाज़ चलाई हुई है बारिश की। नहीं भाई, बारिश शुरू हो गई। हाय 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 हाय, क्या खूबसूरत, खूबसूरत, बहुत ही मज़ेदार। हाय हाय हाय, कपड़े भी ख़राब हो जाएंगे। हाय हाय हाय, हमारी गब्बर सिंह से मुलाकात हो गई है। ये एक शोहर है इन तीन चार मुर्गियों का, देखें इसने भी चार शादियां की हुई हैं, एक दो तीन चार देखें खूबसूरत कितना है यार। ओ भाई हेलो, हाँ हाँ, इधर इधर, हाँ इधर आओ। क्यों यार, अक्सर डरते ही। चलें जी, बहुत ज्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने यहाँ पर चिड़ियों के साथ, तोतों के साथ। अब जा रहे हैं एंजॉय करने हम लोग गाय के साथ, अलग उसके रिब्स खाने। चलें जी, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं योर बर्गर स्मोकिंग हाउस, आपके बर्गर के पास। और योर बर्गर वालों ने ये वीडियो स्पॉन्सर नहीं की, देखते हैं पहली बार ट्राई करने जा रहे हैं। आपने कभी खाया है? नहीं, मैंने स्मोकी बर्गर को नहीं। स्मोकिंग रिब्स पता नहीं स्मोकिंग है या स्मोकिंग है, बस बड़ा अंदर से रेड होते हैं, ऊपर से काला होता है, फुल डार्क होते हैं, अंदर से लाल बाहर से काला। क्या बात है, बहुत आला बहुत आला, अंदर से लाल बाहर से काला, अंदर से लाल बाहर से काला, बहुत आला बहुत आला। सामने अलबेक इस तरफ और इस तरफ ये, और जब भी मुझे भूख लगी होती है मैं ठंडे जोक्स और बेकार शायरी बहुत करता हूँ। देखें भाई, ये लकड़ी रखी हुई है, इसी लकड़ी पे बनाते हैं रिब्स, और अंदर वहाँ पर इनका एक समझ लें चूल्हा है, एक तंदूर है, उसके अंदर बनाते हैं ये लकड़ी के साथ गोश्त रखते हैं 12 घंटे के लिए, उसके बाद फिर निकाल के इसमें उसको गर्म रहने के लिए रखते हैं। यहाँ पर अक्सर आवाम रात को जागती है, मतलब असर के बाद ये वाला सीन शुरू होता है, लेकिन हम लोग इस टाइम पर बिल्कुल खाली टाइम पर हैं ताकि सुकून से बैठ के वीडियो बना पाए, और पहली बार जाहिर है रिब्स ट्राई करनी है तो उसका भी एक्सपीरियंस ले पाए। ब्रेकफास्ट में रिब्स, स्मोकिंग रिब्स इन ब्रेकफास्ट, वाह वाह यार, दोपहर हो गई है, ब्रेकफास्ट है। आपने कहा था वो जूस नहीं पिलाया था, खजूर नहीं खाई थी ब्रेकफास्ट में, आपने कहा था खजूर लास्ट व्लॉग में, आप लोगों ने देखा मंडी में सुबह सुबह कुछ और जाके गई थी हम लोगों ने। भाई साहब यहाँ पर ऑर्डर किया है रिब्स, देखें 125 रियाल के रिब्स हैं, और उसके अलावा एक बर्गर यहाँ पर ऑर्डर किया है, 32 रियाल का बर्गर है, साथ में कोल्ड ड्रिंक्स और साथ में पानी। हमारा बिल बना है 167। थैंक यू। देखें भाई साहब, माशाल्लाह तबारकल्ला, सारे पैसे इसके हैं, और ये इसमें जूस देखने दो, देखें जूस देखें इसे, ये देखें कैसे जूस बह रहे, पानी इससे निकल, पानी भी वापस करवा दो। हाँ पानी वापस इसी में इतना जूस है। हाँ यानी कि गला खुश्क नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये है। ये वैसे इस तरह कर सकते हैं हम, देखें निकाल सकते हैं। हाँ ये देखें, ओए होए 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 होए, 20 रियाल की, ये 100 रियाल का, 125 पूरे
हड्डी यार ये 20 रियाल से भी महंगी पड़ रही है जो हमने फेंक की थी। ये भाई बारबेक्यू सॉस है, ये शहद है, शहद के साथ गोश्त खाएं क्या बात है, और ये कॉकटेल सॉस, और ये सलाद है बंद गोभी वाली। और अभी इसको सही मैदान में लें और इसको देखें यार, जूसी देखो कैसे ज़बरदस्त इसको, ओए होए 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 अंदर से देखो यार क्या कलर है इसका लाल, ऐसे इसको बखेर दो जितना मर्जी बखेरना चाहो आप बखेर सकते हो, ये देखो लो कितना नरम है। 12 घंटे इसको पकाते हैं लकड़ी पे, 12 घंटे हल्की आँच पे पड़ा रहता है, आँच तो होती नहीं है खाली धुएँ पे ही पकता है इसीलिए स्मोकी है, और इसको अरबी में मुदखन कहते हैं, 12 घंटे पड़ा रहता है इसीलिए इतना ज़्यादा नरम भी है जूसी भी है और सब कुछ है, और मेरे से इंतज़ार भी नहीं हो पा रहा। करें ट्राई, करें शुरू, बिस्मिल्लाह करें। लें सर पहले बग़ैर किसी चीज़ के, पहली बार मैं वैसे भी ये स्मोकी पहली बार खा रहा हूँ, तो स्टेक वि स्टेक तो खाएँ लेकिन ये पहली बार खा रहा हूँ, बिस्मिल्लाह ज़बरदस्त, वही एकदम से ना बीफी टेस्ट आता है लेकिन क्या मेल्ट हुआ है मुँह में जाके। अच्छा 12 घंटे कैश हो गए? नरम 12 घंटे और 125 कैश हो गए। ये ऊपर से जला हुआ तो नहीं है? ये जला हुआ नहीं है यार, टेस्टी है, टेस्टी है। यानी कि वो एक जली हुई जो स्मेल है ना वो नहीं आ रही इसमें, सबसे मज़ेदार बात ये। और इसको बारबेक्यू के साथ ट्राई करें, अक्सर स्टेक हम लोग जो है ना बारबेक्यू सॉस के साथ खाते थे तो बहुत मज़ा आता है इसमें, काफ़ी अच्छा बीफ का इतना स्ट्रॉन्ग टेस्ट है ना कि ये सॉस उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा है। अच्छा लेकिन हाँ ये हर किसी के लिए नहीं है बिल्कुल, हमारी देसी आवाम के लिए मुश्किल है उनके लिए, क्योंकि इससे ना एक्चुअल में वो बीफ गाय वाली स्मेल आती है, समझ रहे हैं जैसे होता है बीफ मतलब का ओरिजिनल बीफ। हाँ एक जो कच्चे गोश्त का जो स्मेल होती है गाय वाली, यार लोग तो इसको बहुत पसंद करते हैं बाहर वेस्ट में इधर उधर, और फैट वाली जो स्मेल है वो एक्चुअल में इसमें ना फील होती है। शहद के साथ ट्राई करने जा रहे हैं, देसी लोग बहुत चीज़ें जो है ना वो शहद के साथ खाते हैं। हाँ और मटन खाते हैं शहर के साथ। अच्छा? वो तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है, बिस्मिल्लाह। शहर का टेस्ट स्ट्रॉन्ग है और उसके साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। अच्छा बारबेक्यू से काफ़ी ज़्यादा अच्छा, इसीलिए उन्होंने साथ भी, हाँ इसीलिए उन्होंने साथ में शहर भी दिया। और मुईज़ भाई के मुंह में पानी सही आ रहा है इस टाइम पे, ये जो बीफ के डिशे हैं ना ये पानी ना आए तो और क्या कहो। आप देखें तो बिखरता कैसे है यार, यूं करो बस, ये चीज़ ले नरम एकदम नरम। और ये अपना कॉकटेल सॉस के साथ ट्राई मारे, मुझे शहद के साथ बेस्ट लगा, काफ़ी अच्छा शहद और ये कॉकटेल सॉस मिक्स करके भी आप खा सकते हैं। इधर फ्राइज के साथ इन्होंने ना कॉकटेल सॉस, हाँ वही बीफ के रेशे हैं लेकिन ये दूसरी जगह के उसने बताया, वो शुरू में मतलब गए के दूसरे हिस्से के, हाँ पहले हिस्से के नहीं, वो पहला हिस्सा कौन सा और दूसरा हिस्सा कौन सा? पहला अच्छा है, नहीं नहीं रिब्स ही है, रिब्स का अपना मज़ा, इसमें कोई इतना स्ट्रॉन्ग वो रेशों का गोश्त का जो जायका है ना वो इतना ज़्यादा फील नहीं हुआ, बड़ा घंटे लगे हैं इस पे, इसमें फुल वो वाला जायका एकदम वो गाय वाला जायका भी फील हुआ। साथ में इन्होंने ब्रेड भी दी हुई है टोस्ट, इसके साथ भी आप खा सकते हैं। ये बर्गर के अंदर वही मटेरियल डाला हुआ है जो यहाँ पर ना इसके ऊपर डाला हुआ, और सॉस भी वही कॉकटेल सॉस, ये खूबसूरत बर्गर। और बीफ तो अंदर बस बिखर रहा है, देख रहा क्या बात है, बिस्मिल्लाह करें, इतनी नरम रोटी है, रोटी नरम नहीं है, आपने ज़रा वहशियाना तरीके से खाया इसलिए वो बेचारे का ये हाल हो गया। यार खाने का मज़ा इसी तरह से आता है, मैं हमारी देसी अवाम का टेस्ट जानता हूँ तो रिब्स हर किसी को पसंद नहीं आने इतना मुझे पता है, और ख़ास तौर पे ये स्मोकी रिब्स, मतलब ये गाय की चांप हमारे हर पाकिस्तानी के लिए शायद ना हो, क्योंकि हमारे लोगों को मसाले वसाले पसंद होते हैं, इनमें मसाला नाम की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये सॉसेज हैं और ये सॉस भी मीठी वाइब देते हैं, देखना इसमें मिक है नहीं, इसको किस तरह खाना है। देखो क्या पता मिक निकला है अंदर से, कुछ नहीं है भाई, बाय बाय। ये भी जो है ना पक्की हुई है हड्डी, हाँ सख्त है, टूटेगी नहीं फिर भी बेफिक्र हो जाओ, और है कितनी स्ट्रॉन्ग बड़ी, नहीं टूटेगी, नहीं टूटेगी भाई, ये मुझे तोड़ देगी उतनी टूटेगी, देखा है कैसा सही नरम नरम और गरम गरम बारबेक्यू सॉस, बारबेक्यू क्या हुआ। खा लूँ पहले। ये भाई साहब अभी देसी खाने खा के आ रहे हैं, अक्सर होता है मटन
हम खाए ना तो मटन की इस तरह की टेंडरनेस होती है, बिल्कुल नरम नरम। यार ये उससे भी ज्यादा है, मुंह में जाता घुल जाता है जैसे मछली आप खाते हैं। अच्छा ये देखने में नहीं लगता कि इतना नरम होगा। हाँ और जब मुंह में डालते हैं ना वो पता चले ये तो मलाई है, मलाई मलाई एकदम मलाई। कलर बिल्कुल बीफ वाला कलर है लेकिन फुल टेंडर है अंदर से। देखे ना कैसे चेक करें, मतलब ये मुंह में जाते ही आपका दिल नहीं करता कि आप बात करें। आपका दिल करता है कि सुनते रहो। अच्छा इसका ना देखें, आप मटन मछली खाते हैं ना, मतलब मटन की वो जो पाँव वाली बोटी होती है या जो पसलियों के ऊपर गोश्त होता है मटन का, और मैं मंदी की बात कर रहा हूँ, वो जितनी नरम होती है ये तकरीबन तकरीबन उससे ज़्यादा नरम है। मुईज़ भाई गपशप में खा ना जाएँ सर, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। ब्लॉग बना ले यार, बन गया ब्लॉग रह जाएगा। यार मुईज़ भाई आपने अभी तक असल काम किया नहीं, ये ले। ओए ओए ये शहद जाने दे, शहद के साथ अल्लाह का नाम लेके इसने काम डबल कर दिया उन्हें, है ना शहद का मजा एक रिब। हाँ ये बर्गर देखें भाई अंदर से, ये रेशे, ये बीफ बर्गर है लेकिन वो वाला बीफ बर्गर नहीं जो ट्रेडिशनली ये बाहर मशहूर है कि ये बीफ बर्गर है, ये और तरह का बीफ बर्गर है, ये असल बीफ बर्गर है, ये असल बीफ बर्गर है। रेशे हैं, रेशे सिवैयों की तरह अंदर घूम रहे हैं। चलें जी खाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो बड़ी प्लेट थी ना हमारी जिसमें रिब था और साथ में वो फ्राइज वगैरह और साथ में और भी ऊपर बीफ रखा हुआ था, वो भी स्मोकन बीफ ही था। बहरहाल वो एक ही प्लेट दो बंदों को काफ़ी है, हम लोगों ने एक बर्गर एक्स्ट्रा लिया तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। पकाया पानी वानी ले साथ में, पिए खाएँ पिए मज़े करें। हम लोगों ने स्टेक ट्राई किया था जो यहाँ पर टेबल पे लेके आए थे, ये रेस्टोरेंट नहीं था खैर वो दूसरा रेस्टोरेंट था, स्टेक वो टेबल पे लेके आए थे साथ में लावा स्टोन लेके आए थे और वहीं पर टेबल पे बैठ के हम लोगों ने स्टेक पकाया और फिर खाया। अगर वो वाला व्लॉग आपने नहीं देखा तो यहाँ पर क्लिक करके वो व्लॉग देख लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी मोहब्बत का तमाम इजहार करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत देर कर दिया भैया, यहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।